तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे दीवा के सेकंड पार्ट में। पहला स्टार्ट हो गया भजन वगैरह, भजन वगैरह भी चालू है अंदर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी भगवान का भक्ति का गीत वगैरह होने वाले हैं। दीपक भाई तब तक मैं आपको लेके चलूंगा। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, लोगों की किस तरह की भक्ति है। जो छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन में भक्तों का दर्शन ले, और कई औरतें महिलाएं माँ बहन सब यहाँ पे जमा हुई है दर्शनों के लिए। और यहाँ पे कितना अच्छा पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे जो है भगवान के दर्शन अंदर जो है भोलेनाथ का शिवलिंग का नज़ारा बना हुआ है, जो एकदम देख के आप दिल जिस तरह मेरे मन में शंकर। एकदम बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे भगवान का। ये देखिएगा यहाँ पे एक मंदिर है, छोटा सा एक प्यारा सा मंदिर है भगवान का। दर्शन कीजिएगा आप लोग जहाँ भी हो, देखिएगा किस तरीके का सजावट है यहाँ पे भगवान का। श्री जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे काफी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कब से बेचारे सुबह से सब लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे दर्शनों के लिए। आप लोग देखिएगा काफी भक्तों की तादाद लगी हुई है यहाँ पे, कई जन जो है कई सब लोग यहाँ पे तैयारी में। कितना अच्छा नजारा है यहाँ का, आप लोग देखिएगा काफी कितने प्यार से सजाया है सब लोगों ने यहाँ पे सब भाई है जो ब्लॉग। तो देखिएगा ये सब सुबह से लगे हुए हैं जो तैयारी में, फुल भोलेनाथ की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए सब भाई है जो एक साथ सब मिलके हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पे देखिए हवन कुंड का हाँ चैनल है, हवन कुंड आपको बता के जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके का जो है भगवान का एकदम कहते हैं ना क्या प्यारा नजारा है यहाँ का, आप लोग देखिएगा। देखिए आप अंदर तो जाने का, हाँ जा सकते हैं अगर मिलेगा तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ भगवान के दर्शन की तरफ। यहाँ पे भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोग दर्शन कीजिएगा, बने रहिएगा साथ में। तो देखिए किस तरीके का, देखिए श्रद्धालुओं की क्या भीड़ लगी हुई है सुबह से, सब भक्त कोई सुबह 6 बजे 5 बजे से सब आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए किस तरीके की माताओं बहने जो है लाइन में लगी हुई है। तो यहाँ पे हर हर महादेव जो है, देखिए यहाँ पे इस तरीके नंदी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और प्यारा सा काशव है यहाँ पे, देखिएगा जय भोलेनाथ। ये देखिएगा बहुत ही प्यारा नजारा है, चलो आ जाओ। भक्तों की तादाद लगी हुई है, तो देखिएगा किस तरीके की सजावट है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना जैसे भगवान खुद नीचे उतर आए हैं। यहाँ पे भक्त लोग जो है यहाँ पे, और मैं आपको जो है एक मिनट। ये देखिए ये सजावट देखिएगा, क्या सजावट है, कहते हैं ना इंसान के हाथों में कला होती है। यहाँ पे देखिएगा भगवान का छोटा सा एक यहाँ पे मंदिर है, जो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना देवी माँ बसी हुई है भगवान, और यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ पे देखिए भजन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं तबला वगैरह सब मिक्स रहता है इसमें। हाँ चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। और ये देखिए ये भाई भी है यहाँ पे जो सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए भाई कार्यकर्ता है यहाँ के जो साफ सफाई वगैरह में लगे हुए हैं। कहते हैं ना सब भगवान की भक्ति में आज के दिन लीन रहते हो, सच में कहते हैं कि भक्त हैं तो भक्त हैं। देखिए यहाँ पे हमारी माताएं जो है यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही हैं। शिवलिंग देखिएगा, ये भगवान का शिवलिंग है। आप लोग जो है कहते हैं ना भगवान खुद ऐसे लगते जमीन पे, क्या सजावट है देखिएगा शिवलिंग का। ओहो सजावट देखिएगा, यहाँ पे हवन कुंड है जहाँ पे हवन हुआ था, और ये यहाँ पे माताएं बहनें सब हैं जो है यहाँ पे प्रसाद का लाभ ले रही हैं। यहाँ पे सब ये हमारा सेठ है। ओके ये दीवा के जो है यहाँ बिल्डिंग के जो ओनर कहते हैं सेठ कहते हैं, पूरा उनके उनके कंट्रोल में है।
और जो है इनके आप लोग का नाम क्या है काका? हेमर सेठ। हेमर सेठ, हेमर सेठ, ये हमारे हेमर सेठ है दीवा के, जिनके बिल्डिंग में जो है कंट्रोल रहता है। तो इन्होंने जो है सारा ऑर्गेनाइज वगैरह आप ही ने इन्होंने किया होगा। इनको पूरा क्रेडिट कहते हैं ना, किसे भगवान ने अगर दिया है तो सच में भगवान ने इनको जो दिए है, और ये जो है प्रसाद के रूप में लोगों तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो जय महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। आप लोग सब एक साथ में बोलेगा हर हर महादेव। और आपको लेके चलता हूँ प्रसाद की तरफ। यहाँ पे देखो ये भाई भी खड़े हैं प्रसाद के लिए। हर महादेव, सब लोग चिल्लाए एक बार हर महादेव। देखिए यहाँ पे केले का प्रसाद वगैरह है, और ये साबूदाना की खिचड़ी है, जो आज के दिन आपने आपको पता होगा कई लोग फास्ट वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए भी काम आ जाता है खाने के लिए। तो ये बहन भी है यहाँ पे, हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। हाँ, आप लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे आज इतनी प्रशंसा है लोगों की, जब हर हर महादेव का हर जगह नारा लगा हुआ है। पंडित मंदिर के पंडित है। हाँ, ये पंडित जी है हमारे मंदिर के, मंदिर के पंडित जी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये अपने भाई है, हर हर ये हमारी नानी है। नानी के बारे जो है थोड़ा सा कुछ अपने अपने यहाँ के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप लोग गौर कीजिएगा। ये वो इंसान है जिन्होंने पूरा कहते हैं ना सजावट, कल सुबह से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं इनके अंडर में जो लगे हुए हैं, सारी फैसिलिटी वगैरह करे, सजावट, पूजा, प्रसाद के रूप में सबको लाइन से प्रसाद मिलना चाहिए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना होने चाहिए। तो भाई के मुख से थोड़ा सा सुनिएगा क्या कहना चाहते हैं भाई। हम पूरा 14-15 साल हो गए हम लोग पूरा महाशिवरा दीर्घा करते हुए। ओके, हमारे बिल्डिंग के शेड हेमंत शेड, तो उनके मार्गदर्शन के नीचे हम सब कर रहे हैं। और सोसाइटी के सभी दिग्गज लोग भी हमारे साथ में है, मिलजुल के सब कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद है। और हमारा यंग जनरेशन भी सब, ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है, महाप्रसाद बन रहा है। यहाँ पे बर्तन वगैरह देखिएगा, बर्तन का पूरी तादाद लगी हुई है। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए बटाटे वगैरह एकदम सफाई से बन रहा है यहाँ पे। और ये भाई यहाँ पे धनिया काटने में लगे हुए, ये देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे धनिया काटने में। एंजॉयमेंट होता है, कहते ना किसी को सेवा करने में मज़ा आता है, तो सच में आज दिखता है कि भक्त बोलते हैं सेवा करने में लगे हुए। और ये अपने भाऊ है, और ये देखिए फिर से एक कड़ी पत्ता ने फिर से छौकन ले लिया है, यहाँ पे प्रसाद बनेगा। ये हमारे मेन है कार्यकर्ता, जिसको कहते हैं कार्यकर्ता मेन। अपना नाम बता दीजिएगा। किशोर वरुण पाठक। और मेरा नाम संदीप पांडे है। ठीक है, ये चैनल है, आप लोगों को मैं एक जन को लिख के दे दूंगा, तो आप नंबर दे दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग सब लोग देख लीजिएगा आपका बन के आएगा। बच्चों का ठीक है, बच्चे बड़ा महादेव कहते हैं ना, भक्तों के मन में कमी नहीं होती, सच में आज दिख रहा है कमी नहीं होती। क्या गर्दी है देखिएगा, कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, भक्त एकदम एनर्जेटिक है। मतलब कहते हैं ना भले सुबह से लाइन में खड़े लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार खड़े हो जाएंगे लेकिन दर्शन लेके ही जाएंगे। बच्चों की खास बात है इसे, इनका जन्म से लेके इधर काम कर रहे हैं, इनका जन्म इधर ही हुआ है सबका, कहते हैं ना बॉर्न एंड बॉटम। यही पूरा बॉर्न एंड बॉटम यहीं से है, ये सब जितने भी दिख रहे हैं सब हमारे सामने जन्म हुआ है सबका। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आप लोग भी कहीं पे भी हो भगवान का जो है प्रसाद लीजिएगा, ग्रहण कीजिए, सब चीज कीजिए भगवान का। तो मैं आपको जो है कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो कहते हैं ना सोसाइटी में हर चीज़ में भागीदारी लेते हैं और सब चीज़ करने का हुनर रखते हैं, जो कभी बोलते हैं ना कोई चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप उनसे मिलेगा, वो कहना चाहते हैं दो शब्द अपने सोसाइटी के लिए, अपने दीवा भक्तों के लिए, दीवा के लिए जो कहते हैं कार्यकर्ता, जो कहते हैं ना सबके मन में प्रेम भाव भावना लाना। देखिएगा ये सब कार्यकर्ता है, तो ये सारे लोग यहाँ पे देखिए बैठेगा, ये देखिए बैठे हैं यहाँ पे, ये हमारे ओन मेन हेमंत सेठ है यहाँ पे, ये ओन यहाँ पे मार्गदर्शन के अंडर सब हो रहा है। ओके, और ये हमारे सेठ है सोसाइटी के, ये सब कहते कार्यकर्ता। कितना प्यारा टी शर्ट का कलर है, जो कहते हैं ना जय श्री राम, जो भगवा कलर। ये हमारे कजिन सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है उमा शंकर यादव नाम है इनका, नाम में उमा शंकर है, उनके जोश भी वैसा ही है। और ये हमारी बहन है लेडीज कार्यकर्ता। आप तुमसे नाम क्या है मैडम? श्रेया सावंत। श्रेया सावंत, ये जो है महिला कार्यकर्ता है जो सारी चीजों का ख्याल रख रही है। 14 वर्ष हम तो शुरुआती पसंद आए। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई बोलना चाहते हो कुछ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। संदीप जी, आप यहाँ आकर हमारे
भोलेनाथ कॉम्प्लेक्स के जो शोभा बढ़ाए हैं, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और पहले सारे कमिटी के तरफ से आपको धन्यवाद और कम हम सारे तो आज सब लोग एक साथ हर हर महादेव का नारा लगाना चाहते हैं तो देख लीजिए, हर हर महादेव, देखिए हर हर महादेव, चलेगा। तो इसी के साथ मैं जो है आपको नेक्स्ट उसमें लेके चलता हूँ आपको स्टेशन की तरफ। वहाँ पे भी शिव भगवान का एक मंदिर है जहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है डेकोरेशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे हम मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हर हर महादेव।